मंच पर उपस्थित विभिन्न धर्मों के महान रहनुमा, सर्वप्रथम में कार्यक्रम के आयोजक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज को इस बात के लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही समसामयिक विषय पर इस कॉन्फ्रेंस का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और इस सत्र का भारत के परिप्रेक्ष्य में धर्म की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। भारत एक आस्थाशील देश है, 125 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ से भी कहीं ज्यादा लोग किसी न किसी धर्म में विश्वास करते हैं, उनके धर्म में आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। और जहां पर आस्था, श्रद्धा और विश्वास हो, कहा है चार पंक्तियों में कि आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पाखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर वीर ने यही गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। किंतु बंधुओं और बहनों, वही श्रद्धा, वही आस्था जब सकारात्मक दिशा में होती है तो स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। और श्रद्धा, आस्था, विश्वास अगर रूढ़ परंपराएं, मिथ्या मान्यताएं, अंधविश्वास की तरफ होती है तो समाज जो है विकास की बजाय पिछड़ेपन की ओर आगे बढ़ता है। ऐसे के अंदर धर्मगुरुओं की बहुत बड़ी भूमिका है, और ये भूमिका यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं को भी समझ में आ रही है। पिछली बार में जब पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन को संबोधित करने के लिए साल्ट लेक सिटी में था, मुझे याद है उस समय के यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून का संदेश था, और इस बात पर जोर दिया गया क्योंकि ये सबके समझ में आ गया। हम देखते हैं हमारे भारत में प्रतिदिन श्रद्धा आस्था के केंद्रों पर लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारे में जाता है। और ऐसे के अंदर धर्मगुरु अगर अपने पास आने वालों को अगर सही दिशा दे तो बहुत बड़ा समाज में बदलाव आ सकता है। किंतु बंधुओं, बदलाव के लिए केवल चर्चा, केवल बात ही नहीं, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। निर्माण के लिए, सृजन के लिए इस प्रकार के प्रयत्नों की जरूरत है। किंतु हम ये भी देखते हैं धर्म के क्षेत्र में, और मैं किसी एक संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें अमूमन सभी धर्म संप्रदायों में कहीं न कहीं ऐसी चीजें भी आ जाती हैं। हम लोगों का दायित्व है कि उसमें कैसे बदलाव लाएं। लाखों टन जो है नालियों में, कहीं दूध बह रहा है, कहीं तेल बह रहा है, कहीं चंदन बह रहा है, कहीं केसर बह रही है, जबकि करोड़ों लोगों को 2 जून की रोटी नसीब न हो, ऐसे के अंदर इस विकृति में बदलाव कौन लाएगा? धर्म के नाम पर मूक प्राणियों को खत्म करना, अरे भला तुम्हें कुर्बानी देनी है तो अपनी बुरी आदतों की कुर्बानी दे। हम, हमारे भीतर का जो गुस्सा है, जो क्रोध है, जो लालच है, जो माया और कपट है, उसकी हम कुर्बानी दें, वह सच्ची कुर्बानी है। किंतु बंधुओं, अगर सच्ची और खरी बात करने लगते हैं तो शायद दूसरी बार मंच पर कोई बुलाएगा नहीं बुलाएगा, ये भी एक खतरा है। लेकिन ऐसे खतरों की परवाह नहीं, जिस मंच पर स्वामी अग्निवेश जी जैसे मेरे मित्र फादर
एमडी थॉमस जैसे हमारे सिख साहिबान जहां पर बैठे हैं, हमारे मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हैं, ये वो उदारवादी, वो समन्वयवादी, वो क्रांतिकारी आचार्य हैं जिन्होंने समय समय पर बदनाम के लिए बड़े से बड़े कुर्बानी करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया है। मैं आप सबसे भी बंधुआ यही कहना चाहता हूं, हम भारत में देखते ये राजनीतिक दल धर्मगुरु क्या करे, सबसे पहले काम है हम अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करते हुए दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करना सीखें। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने जिस अनेकांत दर्शन की बात कही है, अनेकांत का अर्थ ही क्या है, अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का सम्मान करना। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है, विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है, किंतु और लोकतंत्र में मतभेद को विकास का माध्यम माना गया है, किंतु मतभेद जब मन भेद का रूप धारण करते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। विरोधी विचारों को सुनकर के मन में खेद नहीं हो और अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव मानव में मतभेद स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। आखिर में मैं अधिक लंबा किए बगैर यह अवश्य कहना चाहूंगा, आज दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ, फ्रांस में हुआ, अनेक बार चर्चा, हमारी दिल्ली में भी प्रदूषण की बड़ी समस्या रहती है। किंतु बंधुओं और बहनों, में धर्मगुरुओं के बीच में यह कहना चाहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण से भी ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक है। उस वैचारिक प्रदूषण को रोकने के लिए हम सबका दायित्व है, हम मिलकर के फिरका परस्ती ताकतें नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लिए, अपने कुर्सी को हथियाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो सकते हैं। आज उन पर श्रद्धा नहीं है, क्योंकि राजनेताओं के साठ गांठ करके कभी कोई नीरव मोदी बन जाता है, कभी कोई विजय माल्या बन जाता है। धर्मगुरुओं की भूमिका है ऐसे के अंदर वो आगे आकर के अपनी भूमिका को निभाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, किंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विकास के लिए भी पीसफुल और सौहार्दपूर्ण एटमोस्फियर चाहिए। अगर समाज में शांति और सद्भावना का एटमोस्फियर नहीं है तो इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। इन्वेस्टर तभी आएगा जब समाज में शांति और सद्भावना का माहौल होगा। ऐसे के अंदर बंधुओं, हम सब की भूमिका है। मैं अधिक लंबा समय लिए बगैर, हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि कार्यक्रम के कागजों के अनुसार इस सत्र को 5:15 बजे शुरू होके अभी खत्म हो जाना चाहिए था 7 बजे, तब तक दूसरे वक्ता का नंबर आया है। मैं आप सबको आह्वान कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि जब राष्ट्रीय राजधानी में ये सम्मेलन हो रहा है, हम सभी यहाँ के सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोगों को भी और फिरका परस्ती ताकतों तक भी हम सभी खड़े होकर के हाथों में हाथ लेकर के ये संदेश दे रहे हैं कि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान नहीं हो सकता। और भारत जिसकी अनेकता में एकता, ये बहुलतावादी संस्कृति है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, उसको जो कभी नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेगा, ये मंच कभी भी उसे कामयाब नहीं होने देगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।